हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू श्रीविजय क्लासेस. टुडे आवर टॉपिक इज फिगर ऑफ अ स्पीच, जिसके दो पार्ट पर्सोनिफिकेशन एंड एलिटरेशन हम लोग कर चुके हैं. एंड नेक्स्ट वन इज सिमली एंड मेटाफर, बिकॉज ये दोनों जो है वो कंपैरिजन के लिए यूज़ होते हैं, इसलिए हम इन्हें दोनों को साथ में थोड़ा सा लेते हैं, ताकि दोनों में बेसिक सा एक डिफरेंस है उससे पता चल सके कि ईजिली आप इसे मतलब पहचान सकें. ठीक है, देखिए जो सिमली है, सिमली भी कंपेरिजन के लिए, मेटाफर भी कंपेरिजन के लिए, बस दोनों में ये फ़र्क है कि सिमली के टाइम में एज और लाइक जो वर्ड है उससे जुड़ा हुआ कंपेरिजन आप देखेंगे, और मेटाफर के अंदर इस टाइप का कोई भी कंपेरिजन नहीं होगा. उसमें डायरेक्ट जो है वो समथिंग जो है मतलब किसी दूसरी चीज़ को कोई दूसरी चीज़ बना दिया जाएगा, समथिंग को समथिंग एल्स बना दिया जाएगा, मान लिया जाएगा, तो वो आपका मेटाफर होता है. मेटाफर जो है उसमें क्या होता है, इनडायरेक्ट जो कंपेरिजन है वो होता है. मेटाफर के अंदर क्या होता है, इनडायरेक्ट कंपेरिजन है, और जो सिमली है उसके अंदर क्या होता है, डायरेक्ट कंपेरिजन होता है. मतलब आपको पता चलेगा दैट यहाँ पर कंपेरिजन हो रहा है, या तो डायरेक्टली बोल दिया जाएगा दैट वो चीज़ है, तो यहाँ पर कोई कंपेरिजन जैसी चीज़ इनडायरेक्टली होगी, या लेकिन यहाँ पर कंपेरिजन डायरेक्टली होगा. तो फर्स्ट जो बेसिक डिफरेंस है वो हमने देखा कि इसके अंदर एज और लाइक जो है उसका यूज किया जाएगा सिमली में, मेटाफर में इस टाइप के कोई भी वर्ड का यूज नहीं होगा. इसका फर्स्ट एग्जांपल हम लोग देखते हैं, ही रेन वेरी फास्ट, वो जो है वो बहुत तेज दौड़ा. ये एकदम सिंपल सा जो सेंटेंस है वो है. एंड देन सेकेंड इज ही रेन लाइक अ हेयर, वो एक हेयर की तरह दौड़ा, यानी यहाँ पे अपन को डायरेक्टली कंपेरिजन लग रहा है कि उसकी तुलना जो है उसका कंपेरिजन हेयर से किया गया है, तो यहाँ पे डायरेक्ट कंपेरिजन दिख रहा है. और जब डायरेक्ट कंपेरिजन दिख रहा है और लाइक लिखा हुआ है, तो यहाँ पे क्या होगा, सिमली होगा, स्पीच फिगर ऑफ स्पीच. एंड देन सेकेंड जो नेक्स्ट जो हमारा सेंटेंस है, ही वॉज अ हेयर, वो क्या है, वो एक हेयर है. बट ये पॉसिबल नहीं है दैट वो जो है जो आपका ह्यूमन बीइंग है वो एक हेयर है, वो खरगोश है. इट्स दिस पॉसिबल नहीं, बट यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है. लेकिन कंपैरिजन क्या है, इनडायरेक्ट है. इनडायरेक्टली यहाँ पे इसकी तुलना हेयर से की गई है, यानी जैसे खरगोश तेज़ दौड़ता है वैसे वो तेज़ दौड़ा, तो ही वॉज अ हेयर. तो जब यहाँ पे इनडायरेक्ट कंपैरिजन हो और किसी चीज़ को कोई नई चीज़ जो है या कि दूसरी चीज़ बना दी जाती है, तो वहाँ पे आपका होता है मेटाफर. एज और लाइक का वर्ड अगर यूज़ हो रहा है तो वहाँ पे सिमली होगा. चलिए नेक्स्ट इसका एग्जांपल देखते हैं, ही इज़ स्ट्रॉन्ग, वो जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है. इसी को हम लोग देखते हैं, ही इज़ एज स्ट्रॉन्ग एज एन ऑक्स, जैसे ऑक्स स्ट्रॉन्ग होता है वैसे वो स्ट्रॉन्ग है. तो डायरेक्ट कंपेरिजन हो रहा है, ही जो है उसका कंपेरिजन ऑक्स से हो रहा है, डायरेक्ट हो रहा है, बिकॉज इसमें एज भी आया है, इसलिए यहाँ पे जो आपका स्पीच ऑफ फिगर ऑफ स्पीच होगा वो होगा आपका सिमली. एंड देन नेक्स्ट जो सेंटेंस है उसमें लिखा है, ही इज़ एन ऑक्स, वो क्या है, एक ऑक्स है. ऑक्स क्या वो ऑक्स हो सकता है, इट्स नॉट पॉसिबल. बट यहाँ पे इनडायरेक्ट कंपैरिजन है, ध्यान रखिएगा, इनडायरेक्ट कंपैरिजन है. लाइक एज जैसा कोई वर्ड यहाँ पे है नहीं, ओके. और यहाँ पे ही को जो है वो ऑक्स बना दिया गया, यानी किसी चीज़ को कोई दूसरी चीज़ ही बना दिया गया है, तो वहाँ पर आपका है मेटाफर. नेक्स्ट इसका एग्जांपल एक और है, द न्यूज़ वाज वेरी शॉकिंग. ये कैसा एग्जांपल है, ये मतलब सिंपल सा सेंटेंस है कि द न्यूज़ वाज वेरी शॉकिंग, जो न्यूज़ थी वो बहुत ही क्या थी, शॉकिंग थी. इसी को हम लोग लिखते हैं, द न्यूज़ केम लाइक अ डैगर फॉर हिम, उसके लिए न्यूज़ कैसे आई, उसके लिए न्यूज़ जो थी वो एक डैगर की तरह थी, खंजर की तरह थी. यानी न्यूज़ जो है उसकी जो तुलना है उसका कंपैरिजन डैगर खंजर से किया गया, यानी जैसे खंजर तेज होता है वो आपको हर्ट करता है, वैसे ही उस न्यूज़ ने उसको जो है वो हर्ट किया. तो ये जो चीज़ है वो आपका मतलब यहाँ पे डायरेक्ट कंपैरिजन दिख रहा है, और लाइक जो वर्ड है वो भी आपको दिख गया, इसका मतलब यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच आपका कौन सा है, दिस इज सिमली. एंड देन देखिए इसी को, द न्यूज़ वॉज अ डैगर टू हिम, वो जो न्यूज़ थी वो उसके लिए डैगर थी, उसके लिए खंजर थी. अब यहाँ पे सिंपली वे न्यूज़ डैगर नहीं हो सकती है, खंजर नहीं हो सकता है, बट इनडायरेक्ट वे में न्यूज़ की जो कंपैरिजन है, तुलना है, वो डैगर से की गई है. और जब इनडायरेक्ट कंपैरिजन हो रहा है और लाइक एज जैसा कोई वर्ड भी इसमें नहीं आया है, तो यहाँ पे जो आपका फिगर ऑफ स्पीच होगा दिस इज मेटाफर, तो यहाँ पे क्या होगा, मेटाफर. तो देखिए ये तो हम लोगों ने इसके एग्जांपल्स जो हैं वो पढ़े हैं, ये एग्जांपल पढ़ लिया. इसके बाद थोड़ा सा मेटाफर जो है उसके बारे में पढ़ लेते हैं. वैसे तो हमें नॉलेज हो ही चुका है दैट मेटाफर एंड सिमली में बेसिक सा डिफरेंस क्या है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा इसका डेफिनेशन वगैरह देखते हैं. मेटाफर जो है उसे बोलते हैं रूपक, हिंदी में रूपक बोलते हैं. रूपक का मतलब है किसी और का रूप ले लेना, यानी जैसे आपने क्या किया था, न्यूज़ जो है उसको डैगर बना दिया था, न्यूज़ जो है उसको क्या बना दिया था, डैगर. तो न्यूज़ को डैगर बना दिया, मीन्स न्यूज़ का जो न्यूज़ है उसका रूप किसने ले लिया, डैगर ने. तो हिंदी में
इसको रूपक कहते हैं, यानी किसी दूसरे का रूप अगर दे दिया जाए किसी और को तो वो आपका रूपक अलंकार होगा, और हिंदी में इंग्लिश में उसे कहते हैं मेटाफर, अ वर्ड और फ्रेज दैट इज यूज्ड इन एन इमेजिनेटिव वे टू शो दैट समबडी और समथिंग हैज द सेम क्वालिटीज as another thing, मतलब same qualities जो है वो दोनों में है. अगर ऐसा आप किसी भी word से या phrase से बता रहे हैं, एक imaginative way से अगर आप बता रहे हैं, तो वहाँ पर आपका क्या होगा, वहाँ पर आपका metaphor यानी रूपक जो है वो होगा. Then देखिए comparison, यहाँ पर comparison हो रहा है, but यहाँ का जो comparison है वो directly नहीं है, वो directly नहीं है, वो कैसे है, वो समाविष्ट है, या इसे इन्होंने बोला है अंतर निहित है. ध्यान रखिएगा अंतर्निहित, यानी वो उसके अंदर, मतलब वो जो चीज़ है वो दूसरी चीज़ है, वो बिल्कुल दूसरी चीज़, मतलब एक चीज़ को दूसरी चीज़ बिल्कुल मान लिया गया है उसके अंदर जो है, अंतर्निहित यानी थोप दिया गया एक प्रकार से. ठीक है, तो इसमें डायरेक्टली जो एक्सप्रेशन है या फिर कंपैरिजन है वो नहीं होता है, बल्कि उसको अंतर्निहित यानी उसके अंदर जो है, मतलब सेम वही चीज़ मान लिया जाता है. तो अगर वहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच की बात की जाए तो वहाँ पर मेटाफर होगा. अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं. देखिए, ही वॉज अ लॉयन इन द वार, वो जो था, ध्यान रखिएगा ये क्या, ही वॉज अ लॉयन, वो क्या है, वॉर के टाइम में लॉयन बन गया. अब ये तो वैसे पॉसिबल नहीं है, बट ये इनडायरेक्टली जो है इसके अंदर क्या हो रहा है, एक कंपैरिजन हो रहा है, और लॉयन जो है उसको, मतलब वो जो है, वो जो भी लड़ने वाला है उसको लॉयन मान लिया गया है, यानी यहाँ पे उसको उसके अंदर मान लिया गया, अंतर्निहित कर दिया गया. यहाँ पे तुलना हो रही है बट इनडायरेक्टली हो रही है. तो यहाँ पे आपका जो होगा वो कौन सा होगा, फिगर ऑफ स्पीच, मेटाफर. देन इसी को अगर हम लोग ये बोलें, ही वॉज लाइक अ लॉयन इन द वॉर, वो जो है वो वॉर में शेर की तरह था. तो जब भी तरह की बात आएगी, यहाँ पे पता चल रहा है दैट कंपैरिजन हो रहा है, कंपैरिजन डायरेक्ट है, और लाइक वर्ड का यूज़ हुआ है. इट मीन्स यहाँ पे सिमली जो है, आपका फिगर ऑफ स्पीच जो है सिमली यूज हुआ है. नेक्स्ट जो है इसका एग्जांपल देखते हैं. हर वर्ड्स वर अ नाइफ इन हिज हार्ट, उसके जो शब्द थे ना वो क्या थे, एक नाइफ थे. उसके शब्दों को नाइफ बना लिया गया है, यानी एक चीज़ को दूसरी चीज़ जो है वो मान लिया गया है, मतलब एक के ऊपर दूसरे का रूप जो है वो थोप दिया गया है. तो यहाँ पे आपका जो है वो मेटाफर होगा. सेम इसी को हम लोग लिखें, हर वर्ड्स वर लाइक अ नाइफ, लाइक अ नाइफ, एज अ नाइफ. तो लाइक एंड एज अगर आते हैं, यहाँ पे शब्दों की तुलना नाइफ से की गई है, तो तुलना डायरेक्ट है, इसलिए यहाँ पे सिमली है. एज और लाइक का यूज़ हुआ है, इसलिए सिमली है. ठीक है, नेक्स्ट हम लोग सिमली बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं. सिमली इज अ फिगर ऑफ स्पीच दैट डायरेक्टली कंपेयर्स, इनमें बेसिक डिफरेंस ये हो गया कि एक में डायरेक्टली कंपेयर होता है और जो मेटाफर है उसमें इनडायरेक्ट कंपैरिजन होता है. टू थिंग्स एंड द सिमली इज यूजली इन अ फ्रेज दैट बिगिन्स विद द वर्ड एज एंड लाइक. तो एज और लाइक जो है वो वर्ड आपके इसमें यूज होंगे, और इसके अलावा डायरेक्टली कंपेरिजन जो है वो होगा. तो इसमें दो चीज़ें जो है वो आपकी हुई, और ये दोनों चीज़ें जो है वो उसमें नहीं होती हैं मेटाफर में. बस इनमें बेसिक सा जो डिफरेंस है वो यही है, दिस इज डिफरेंट फ्रॉम अ मेटाफर, ये मेटाफर से थोड़ा सा डिफरेंस है. एंड विच इज ऑल्सो अ कंपेरिजन, जो मेटाफर है उसमें भी कंपेरिजन होता है, बट वन से वन थिंग समथिंग एज समथिंग एल्स. बट इसमें ये कहते हैं कि कोई जो चीज़ है वो कोई दूसरी ही चीज़ है, अगर ऐसी बात हो तो वहाँ पे आपका मेटाफर जो है वो होगा. फिगर ऑफ स्पीच जो है वो जिसमें दो सब्जेक्ट के बीच में सिमिलरिटी, फिगर ऑफ स्पीच ऐसा जिसमें दो सब्जेक्ट्स के बीच में अगर आप सिमिलरिटी बता रहे हैं बट सिमिलरिटी डायरेक्टली बताई जा रही है, तो वहाँ पे क्या होगा, तो वहाँ पे जो आप है सिमली होगा. अगर कंपैरिजन कैसे बताया जा रहा है, डायरेक्टली बताया जा रहा है, तो वहाँ पे सिमली होगी. और ज़्यादातर सिमली के अंदर, सिमली को रिप्रेजेंट करने के लिए एज और लाइक जो है उससे आप इंट्रोड्यूस करते हैं. इसका एग्जाम्पल है, ही इज़ as busy, he is as big as elephant. वो कैसा बड़ा है, जैसा elephant बड़ा होता है, हाथी बड़ा होता है, वो वैसा ही बड़ा है. तो directly दिख रहा है that as word का use हुआ है, और इन दोनों में directly comparison हो रहा है, तो यहाँ पर simile होगा. okay, और इसी को अगर हम लोग metaphor में करें तो he is an elephant, directly वो elephant है, तो वहाँ पर metaphor हो जाएगा. our soldiers are as brave as lions, हमारे जो soldiers हैं वो क्या है, जैसे lion brave होते हैं वैसे ही वो ब्रेव है. इट मीन्स यहाँ पे जो है वो आपका सिमली है, मतलब डायरेक्टली कंपैरिजन हो रहा है और एज वर्ड का यूज हुआ है, तो यहाँ पे आपका सिमली है. बट अगर इसी को अगर मेटाफर जो है उसमें करते तो क्या करते, तो वहाँ यहाँ लिख देते, अवर सोल्जर्स आर लायन, हमारे जो सोल्जर्स हैं वो क्या है, लायन है. अगर डायरेक्टली हम लोगों ने ये चीज़ ऐसे लिख दी तो ये क्या बन जाएगा, दिस इज मेटाफर. नेक्स्ट देखिए, शी इज
as busy as a bee. वो जो है जैसे बी जो है वो बिजी होती है वैसे ही वो बिजी है. तो अगर यहाँ पे ये जो है डायरेक्ट कंपैरिजन है एज वर्ड का यूज़ हुआ है तो यहाँ पे जो आपका फिगर ऑफ स्पीच होगा वो होगा सिम्बली. एंड इन द सेम वे अगर ये लिख दें कि ही इज़ अ बी, शी इज़ अ बी, वो क्या है, शी इज़ अ बी, वो जो है वो एक बी है. डायरेक्टली आपने शी को क्या बना लिया, बी. तो वहाँ पे आपका क्या होगा, तो वहाँ पे आपका होगा मेटाफर. वहाँ पे हमारा मेटाफर पार्ट ऑफ स्पीच जो है वो होगा. नेक्स्ट जो है शी इज़ बिगी. एंड इसका मतलब जो है नॉर्मली आप मीन्स सबके निकाल सकते हो. दैट ब्रेव है इसका मतलब वो ब्रेवली लड़ा है. और अगर हम लोग बिजी की बात करें इसका मतलब वो बहुत हार्ड वर्किंग है. बिग की बात करें यानी बहुत ही दिखने में बड़ा या स्ट्रॉन्ग है, है ना. तो ये इट्स ऑल अबाउट हमारा जो ये आज का टॉपिक था. दिस इज़ असेंबली एंड मेटाफर जो आपके एलिटरेशन एंड पर्सोनिफिकेशन दो जो आपके फिगर ऑफ स्पीच है वो हम लोग पढ़ चुके थे. असेंबली एंड मेटाफर किया है. आगे जो भी रीट एग्जाम में हमारे आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हम लोग प्रिपरेशन करेंगे. अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा. और अगर चैनल पर नहीं है नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन जो है उसको दबाइएगा ताकि नया जो भी वीडियो अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए. थैंक यू.